फैनी को कोई आम बीमारी नहीं हुई? पूरी बस्ती में ये बात गर्दिश कर रही है कि उसको एड्स नामी बीमारी हो गई है। ए शम्मो, मैंने तुझे कहा था ना कि शब्बो और उसकी बहन के बारे में पता कर। क्या पता चला? सुना है फैनी बीमार है। तो बीमार होकर वो वापस बस्ती क्यों आए? अस्पताल जाते ना। तुम समझी नहीं। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है? पहले मेरी बात तो पूरी होने दे मूर्ख। अच्छा बोल। फैनी को कोई आम बीमारी नहीं हुई? पूरी बस्ती में ये बात गर्दिश कर रही है कि उसको एड्स नामी बीमारी हो गई है। ये तो क्या कह रही है शम्मो? ठीक तो कह रही हूँ। तू मिली फैनी से? उसे इतनी खतरनाक बीमारी हो गई है, मैं क्यों उससे मिलने जाऊँ? लेकिन वो है कहाँ, पता तो चले, और ये बीमारी उसको हुई कैसे है? तू वाकई नादान और मूर्ख है। मैं नादान और मूर्ख नहीं हूँ, मैं बस जानना चाहती हूँ कि आखिर फैनी को ये बीमारी हुई कैसे। अब कोई तो वजह होगी ना। उसके माँ बाप उसे दूर के अस्पताल में छोड़ के आए, कहते हैं कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मर जाएगी वो। मैंने ना वैसे पहली बार सुना है इस बीमारी का नाम। मैंने भी पहली बार सुना है इस बीमारी का नाम, लेकिन मैंने किसी से ये भी सुना है कि फैनी नंदा करना शुरू कर दिया था, इसी वजह से उसको ये बीमारी हो गई है। लेकिन फैनी ऐसी तो नहीं थी। ये बात भी मैंने बस्ती वालों से सुनी है, बाकी ना मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है ना सुना है। कोई खुशी से ये काम नहीं करता, मजबूरी करवाती है सारे काम, और फैनी की भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जबी उसने ये काम किया है। आखिर फैनी का भी यही अंजाम होना था। अच्छा वैसे एक काम कर, पता कर कि वो कौन से अस्पताल में है, मैं उसे एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। देख, उसे बड़ी सख्त बीमारी लगी है, उससे मिलने की कोशिश ना कर, कहीं तुझे भी ये बीमारी ना लग जाए। तू पागल है, कुछ नहीं होता। देख शब्बो हमारी बचपन की सहेली है, मिलना तो चाहिए हमें उससे, क्या पता उसे हमारी किसी मदद की जरूरत हो। तू फिक्र ना कर, मैं उसे मिलने जरूर जाऊंगी।